और अहम खबर दें आपको, हुकूमत ने रूस से खाम तेल की दरामद पर गौर शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम डिवीजन ने खत लिखकर ऑयल रिफाइनरीज से तजावीज और सिफारिशात तलब कर ली हैं। रूसी तेल के हवाले से रिफाइनरीज की तकनीकी इस्तेदादकार की तफसीलात तलब की गई। मशरिक वुस्ता के मुकाबले में रूस से तेल दरामद पर अखराजात का मुवाजना पेश किया जाए। खत में कहा गया है कि रूस को तेल की अदायगियों के तरीका पकार पर भी तफसीलात फराहम की जाएं। सैफुररहमान नुमाइंदा जियो न्यूज हमारे साथ, उनसे जानेंगे सैफ, मजीद क्या कहा गया खत में। जी बिल्कुल, रूस से खाम तेल की दरामद के हवाले से वजारत तवानाई की जो पेट्रोलियम डिवीजन है, उसके जो उन्होंने रिफाइनरीज जो चार हैं पाकिस्तान की, उनको जो खतूत अरसाल किए हैं ऑयल डायरेक्टोरेट जो हमारा है पेट्रोलियम डिवीजन का, जिन चार रिफाइनरीज को खतूत अरसाल किए गए हैं, इनमें पाक अरब रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी और बाइको शामिल हैं। जो खतूत के जो मंदरजात हैं उनमें ये कहा गया है, रिफाइनरी से पूछा गया है कि किस ग्रेड का जो खाम तेल अगर रूस से हम बरामद करें आप उसको रिफाइन कर सकती हैं, और ये जो है किस मकदार तक कितना आप रिफाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये तजावीज भी मांगी गई है कि अगर ये तेल जो खाम तेल रूस से बरामद किया जाए तो इसकी जो अदायगी का जो तरीकाकार होगा वो क्या होगा, और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन के जो अखराजात हैं वो कितने होंगे अगर हम इसको जो मशरक वुस्ता के मुकाबले में जो हम इंपोर्ट करते हैं उससे अगर हम मुवाजना करें तो ये हमें किस कीमत में पड़ेगा। इस हवाले से ये सारी की सारी तजावीज इन चार रिफाइनरी से मांगी गई हैं, जिसके बाद इसको बाजाबता तौर पर वफाकी गवर्नमेंट को भेजा जाएगा, जिसके बाद हतमी को फैसला हो सकेगा। जी ठीक है सैफुररहमान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।